आप देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। जैसा कि आप जानते हैं विधानसभा के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं और उसी की तैयारी में यहां पर हमारे साथ खदीर मौलाना मौजूद हैं और आप इनके समर्थक देख सकते हैं काफ़ी संख्यों में, काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहां पर उनके साथ में उनके समर्थक मौजूद हैं जो ये चाहते हैं कि खदीर मौलाना किसी तरह से यहाँ पर मध्य से विजय पाए और पूरी तरह से उनके साथ में यहाँ पर जनता मौजूद है। हम उनसे बात करते हैं। सर, यहाँ पर आज इतनी काफ़ी ज़्यादा तादाद में आपके साथ लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जम रहे हैं लोग आपके ऊपर, तो सर क्या किस तरह से आप यहाँ पर मध्य में विकास को देखते हैं? हम नहीं, मध्य में तो विकास तो हुआ ही नहीं 15-20 सालों से। पहले तो शिवसेना बीजेपी ने यहाँ पर पूरा माहौल ख़राब करके रखी है। डेवलपमेंट के नाम के ऊपर सिर्फ भ्रष्टाचार के सिवा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बाद में हमने जब हमारा एक मुस्लिम कायद, हमको लगा कि भाई ये 5 साल का मौका इनको मिला है, MIM को, शायद ये कुछ अच्छा काम करेंगे। लेकिन उन्होंने भी उनसे बढ़िया काम नहीं किया बल्कि उनसे बदतर काम किया, और काम के नाम पे वो 5 काम भी नहीं गिना सकते कि उन्होंने आने के बाद एक 5 काम बताना कि जिन्होंने मतदार संघ में उन्होंने किया। वो सिर्फ अपना घर बनाना, अपना बंगला बनाना, अपनी मैशत बनाने का काम उन्होंने किया है, ना कौम का कोई काम किया है, ना डेवलपमेंट का कोई काम किया है। तो सर, गठबंधन आपका समाजवादी पार्टी से है और कांग्रेस पार्टी के साथ में आप सब गठबंधन कर रहे हैं, सर कितनी सीटें आपको लगता है कि महाराष्ट्र के अंदर आप कहीं ना कहीं आपकी कितनी कामयाबी हो सकती है? देखिए, अभी शुरुआत है, अभी निर्णय आज फॉर्म भरने की प्रक्रिया आज ख़त्म हो जाएंगी। ये आने वाले 7 तारीख को आपको बता पाएंगे कि भाई पूरा महाराष्ट्र के अंदर में जिस तरह के सीट हमने दिए है, कांग्रेस ने दिया है, समाजवादी ने, अभी जितना फिरका परस्तों के खिलाफ का जो गठबंधन था हमारा, हमने कोशिश किया कि कम्युनिस्ट पार्टी को, तुम्हारे काशकार की जो हमारी राजू सेट्टी की पार्टी है, हमारे कवाड़ेगढ़ की जो पार्टी है, शेखा पक्ष है, तमाम सेकुलर दैन रखने वाली जमातों को मुतहद करके ये फिरका परस्तों के खिलाफ में हमने मुतहद किया है। मुझे ऐसा लगता है कि इंशाअल्लाह कि ये महाराष्ट्र के अंदर में अब सेकुलर की सरकार आएगी और इनको घर पे जाना पड़ेगा। अच्छा सर, बाकी और भी कास्ट आपके साथ में है, हिंदू समाज है, मुस्लिम समाज है, सर यहाँ पर आप देखते हैं कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है औरंगाबाद के अंदर, बेरोज़गारी का बहुत ज़्यादा मुद्दा लेके नौजवान यहाँ से परेशान है, तो सर बेरोज़गारी किस तरह से दूर की जा सकती है? सर देखिए, ऐसा है,
ये जो सरकार है ये थापाड़ी सरकार है, इसने थापा मारने के अलावा कुछ भी किया नहीं है। ये सरकार आने से पहले इनका जो एजेंडा था, उन्होंने ये घोषणा की थी कि हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। 2 करोड़ लोगों को तो नौकरी दे नहीं सके, 2 करोड़ लोगों की जो नौकरी चले गई है उनको रीएस्टेट नहीं कर सकते हैं, तो इनसे तुम क्या उम्मीद कर सकते हैं। ये सरकार को आपको भगाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। ये बेरोज़गारी दूर नहीं हो सकती है, लाखों कंपनियां बंद हो रही है, बेरोज़गारी और ज़्यादा बढ़ रही है, ये हालात मुल्क के ख़राब हो रहे हैं, देश के अंदर में जीडीपी नीचे गिर रही है। हमारी जो जीडीपी है 5-5.5 के अंदर में है, बांग्लादेश जैसे देश की जीडीपी 8.5 है, गोया कि हम बांग्लादेश के भी नीचे इकोनॉमिकल पोजीशन में चल रहे हैं। और जो इकोनॉमिकल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जिस तरह का होना चाहिए था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पे ये सरकार ने 0 बजट काम किया है, और बाहर से इन्होंने इन्वेस्ट लाने की जो बात की थी, अभी तक हिंदुस्तान के अंदर में हमको कहीं भी ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है कि बाहर का इन्वेस्टमेंट यहाँ आ रहा है, यहाँ तरक्की हो सकती है। जो मुल्क के अंदर में है वो दफनाने का काम यहाँ पे चल रहा है। ये इस तरह से बेरोज़गारी यहाँ पर नहीं जाएंगी। यहाँ मजबूत सेकुलर सरकार लाना होगी, जो दलित मुस्लिम और आदिवासी तमाम 18 पकड़ के जातों को, इस मुल्क की जो नींव है वो सेकुलर पर आधारित है, और उसी के मुताबिक जो है तो इस मुल्क में काम हो सकता है। ये फिरका परस्तियों की जमात, ये भगवे रंग के अंदर में आपके सामने है, और हमारी दूसरी फिरका परस्त जमात माननीय अवेसी साहब को मैं पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से कि तुम दो चारी कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है महाराष्ट्र में जो पूरे मुसलमान अगर वोट दिए तो चुनकर आ सकती है, तो फिर 50-60 सीटें आप खड़े कर रहे हैं, अगर पूरे भी मुसलमान ने अगर 45 जगह पे आपको वोट दे दिया तो आप चुनकर नहीं आ सकते हैं, तो फिर काय के लिए आप खड़े हुए हैं? ये सवाल मेरा है, आप खड़े रहो। जमहूरियत में हर पार्टी को, हर लड़ने वाले को जमहूरियत में अधिकार है लड़ने का, आप लड़ो ऐसा नहीं है। लेकिन वो फिरका परस्तों के वजह से आज शरीयत पे आ चाहिए है, गरीबों पे आ चाहिए है, लोगों की नौकरी चली गई है, हर हिंदू मुसलमान हर जात का आदमी परेशान है, और ये फिरका परस्त ये उनके साथ देने वाले, ये हरे भगवे चोले के अंदर में मुसलमानों की चिकनी चौपड़ी बातें करके जो आए हैं, ये सिर्फ मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़े वर्गों को नुकसान पहुंचाने के लिए एक बड़ी छुपियारी मुझे नज़र आती है। सर आपकी डायरेक्ट भिड़त किससे है? हमारी डायरेक्ट शिवसेना बीजेपी के साथ में टक्कर है। आपकी डायरेक्ट भिड़त विशाल, ये थे हमारे खदीम मौलाना जो कह रहे थे कि डायरेक्ट भिड़त इनकी जो है शिवसेना बीजेपी से है। कैमरामैन सिकब्दुल अजीम के साथ मैं अल्ताफ हुसैन।